उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमकी के पीछे की वजह भी अब सामने आई है, जो कि काफी चौंकाने वाली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को सोमवार रात डायल 112 पर अनजान शख्स ने व्हाट्सएप कॉल कर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसे लेकर राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में केस भी दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 506 और 507 के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान आमीन के रूप में हुई है। यह आरोपी कानपुर के बाबूपुरवा का रहने वाला है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि दो दिन पहले इसी युवक ने बाबूपुरवा में मोबाइल खो जाने का प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था। पुलिस ने सबूत खंगाले तो सामने आ गया कि इसी मोबाइल से सीएम योगी को धमकी दी गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी ही गर्लफ्रेंड के पिता का मोबाइल चोरी कर भागा था। चोरी करने के बाद उसने इसी फोन से धमकी दी थी। आज दिनांक 25/4/2023 को सुबह डायल 112 पर जरिए मोबाइल एक कॉल आया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को धमकी दी गई। इस सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले व्यक्ति आमीन उर्फ छोटू निवासी बेगमपुरवा बाबूपुरवा को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मोबाइल तथा सिम बरामद हुई है। उसने बताया कि ये मोबाइल तकरीबन 10 दिन पहले सज्जाद हुसैन नाम के व्यक्ति के घर से चोरी किया था और उस मोबाइल का सिम जो है अपने मोबाइल में डालकर इसने ये सज्जाद हुसैन को फंसाने के उद्देश्य से धमकी दिया। उक्त प्रकरण में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल तथा सिम बरामद है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस मोबाइल की अब जांच कर रही है। उसके मालिक का पता चल गया है। उसने फोन के मालिक से पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि मालिक का फोन दो दिन पहले चोरी हुआ था। जांच में सामने आया है कि आमीन अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को पसंद नहीं करता था। लड़की के पिता के साथ उसकी कई बार लड़ाई भी हो चुकी थी। पिता ने आमीन को उसकी बेटी से दूर रहने की सलाह भी दी थी। अब पुलिस इस मामले को आपसी दुश्मनी बता रही है। हालांकि आरोपी युवक से पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।